हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल फहरुल ब्लॉग्स में। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं खाना। आज काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर हम गए थे गंगा नहा स्नान करने। वहाँ मेला भी लगा था, मेला भी देखे हैं। अब आए हैं तो जा रहे हैं खाना बनाने। आज आप सभी को लौकी का रायता बना के दिखाएंगे, रेसिपी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये लौकी काट के छील के इसका बीज निकाल लिए हैं। अभी दिखाऊंगी इसको बना के। अब इसको ये कद्दूकस है, इसमें बेसन भी लौकी से किस तरह से रगड़ रहे हैं। सारे लौकी घिस के फिर आप सभी से मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये लौकी कद्दूकस हुआ, करके धो लिया है, धो के रख दिए हैं। गैस चला, कढ़ाई चढ़ा दिया। अब डालते हैं इसमें सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे जीरा। लाल होने तक पकाएंगे जीरा को। लाल हो चुका है, अब डालेंगे कद्दूकस वाला की। देख सकते हैं हमारी लौकी अभी उबल चुकी है। और इसको आप तेज करते हैं, इसमें पानी सुखा लेंगे। देख सकते हैं पानी है इसमें।
सुखाना है, लोग बोल चुके हैं ऐसे काटते आसानी से काटना है। देख सकते हैं पानी इसमें सूख गया है। अब इसको निकाल कर बर्तन में रखते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक इसमें चावल धो कर डाले रख देंगे, उसको चढ़ा देंगे, चावल बना लेंगे। पूरी तरह सूख गया है, अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसमें माठा डालेंगे। अभी घर पे माठा नहीं मंगाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पास में ही है दुकान, तो मंगा लेंगे तो ठंडा होगा। अभी देख सकते हैं तावे पे भून रहे हैं जीरा, इसको भी पीस के रायते में डालूंगी ताकि भून ले रहे हैं अच्छी तरह से लाल हो जाएगा। देख सकते हैं हम पिल्ढा पे जीरा ले लिए हैं, इसको पीसेंगे। यहाँ पे दोस्तों जुगाड़ू काम हो रहा है, क्योंकि सिल पे पीसेंगे तो ये सिल सिल में ही रह जाएगा इतना थोड़ा सा, तो बेलने से पीसेंगे इसको। देख सकते हैं तो इस तरह से इसको पीस रहे हैं। देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा जीरा पिसा गया है, तो हम इसे रायते में डाल देंगे इस तरह से। और इसमें अभी पड़ेगा नमक और मीठा, ठीक बन के रेडी हो जाएगा हमारा रायता। देख सकते हैं दोस्तों मीठा आ चुका है, हम डालेंगे इसमें बर्फ जमी निकलते हैं। डालेंगे दोस्तों काला नमक स्वाद अनुसार, अब हमारा रायता बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस प्रकार का है, थाली में निकाल चुके हैं चावल, अब निकालेंगे रायता। हाँ
चावल और रायता बनके तैयार है, रेडी हो चुका है। जिसको जिसको पसंद हो आ जाए खाने के लिए। हमारे घर में तो सभी को पसंद है। अब यहीं पे अपना वीडियो एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना, ना सब्सक्राइब कर लेना जरूर जो वीडियो नए हैं नए, ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।